Hey guys, what's up and welcome back to this YouTube channel. And as you guys know by reading the title, that what am I going to be reacting on? I'm going to be reacting on to a trailer today, and the name of the trailer is Farzi. So clearly it's the Hindi word, and there we have Shahid Kapoor and Vijay. So Shahid Kapoor is to total like Bollywood ke actor hain, and Vijay is like from Tamil industry and काफ़ी famous actor hain. And I hope कि ये फिर से एक बार कोई अच्छी चीज़ हो, because Bollywood and South industry, they both are working together. Like काफ़ी टाइम से हो रहा है ऐसा, तो आई थिंक पिछले एक साल से ऐसा जो है हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि बॉलीवुड एंड लाइक साउथ इंडस्ट्री, दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर. और ये भी पता है क्यों हो रहा है, बिकॉज साउथ का भी जो है थोड़ा उरूज है एंड बॉलीवुड का थोड़ा डाउनफॉल है, तो इसलिए थोड़ा कोलैबोरेशंस वगैरह हो रही हैं. बट एनीवेज, हम इस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, वी आर गोना बी फोकसिंग ऑन द फैक्ट दैट किस तरीके का ट्रेलर है. एंड या, एंड आई एम वेरी हैप्पी बाय द फैक्ट कि आजकल जो है ट्रेलर आ रहे हैं, तो ट्रेलर पर डिस्कशन करने में मुझे ऑनेस्टली मज़ा आता है, और मुझे ना थोड़ा सा गैस करने में भी थोड़ा मज़ा मिलता है. सो दैट्स वाई, और थोड़ा छोटा भी होता है कि मतलब इतनी बड़ी वीडियो नहीं देखनी पड़ती, जैसा एक दो मिनट की वीडियो होती है, जल्दी जल्दी काम क्विक क्विक हो जाता है, दैट्स वाई. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल, वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एंड देन कम बैक एंड स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो विद जस्ट ज़ैनब फ़त्तही. नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. प्राइम वीडियो, लेट्स सी. ओह माय गॉड, पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते. शाहिद कपूर, क्या ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं. ये बिल्कुल गलत डायलॉग है, पता है, जिसके पास पैसे हैं और उसे खुशी नहीं है, मुझे पैसा दे दे कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े. कसम से, ओए मेरी वाली फील है ये. फ्रॉम राज, ठीक है. ये अमीर लोग ने सिस्टम बनाया जिसमें जिंदगी भर गरीब उधार चुकाएगा और अमीर ब्याज खाएगा. हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग मिडिल फिंगर क्लास है. साला इस सिस्टम को तोड़ने के लिए क्रांति लानी पड़ेगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रांति, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अब नकली नोट बनाएंगे? नहीं, नोट पे तो किसी इंसान ने बनाया होगा ना. पता है ये गंदा आइडिया मेरे दिमाग में आता है कि मैं ना कलर फोटोकॉपी कराऊंगी इसकी, लेकिन मैं सब में एक्सपर्ट हूँ, सबकी कॉपी बना सकता हूँ. तेरी लाइफ में ग्लैमर आएगा तो क्या करेगा? ओल्ड आईफोन, ओल्ड चेन, एकदम लूडाक्रिस जैसा. लूडाक्रिस नहीं, लुक्खाक्रिस लाएगा तू. मुझे जो चाहिए अगर तू बता दे तो मैं तुझे किसी भी देश में एक नई जिंदगी दे सकता हूँ. मलेशिया, थाईलैंड, मसाज मसाज, एंजॉय, यू चूज. मिडिल फिंगर टू यू. कामयाबी का राज पता है क्या? डर. जब तक नीचे आग नहीं लगती ना, तब तक इंसान रॉकेट नहीं बनता. तुम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो ना? नहीं नानू, बिल्कुल भी नहीं. झूठ, झूठ. इफ यू कैन नॉट, डिजाइन इज ब्रिलियंट सर, रोकना पड़ेगा नहीं तो रुकेगा नहीं. इससे बड़ा लोड आज तक नहीं आया. इतना पैसा है कि पूरा ऑफिस भर सकता है. चेंज द गेम. सबके अंदर चोर है, सिर्फ चांस के लिए वेट करता है. अब की गलती हुई तो यूनिट बंद कर दूंगा और तुझे निष्कासित. सर, व्हाट इज निष्कासित सर? टर्मिनेशन. मिनिस्टर को ट्रांसलेटर बना के रखा है. फर्जी, ओके. इज इट द फर्जी दैट आई एम थिंकिंग, और इज इट अ डिफरेंट फर्जी? न्यू सीरीज 10th है. ओके, इट्स द सीरीज. ओके 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 ओके. सो गाइज, आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर ऑफ दिस सीरीज, आई थिंक बहुत ही डिफरेंट किस्म का एंड न्यू किस्म का कॉन्सेप्ट है. एंड द फन फैक्ट अबाउट माई सेल्फ इज़ कि मैं ऐसे सोच विचार रात में हमेशा करती हूँ. लाइक 3 बजे के टाइम जब आप बिल्कुल फारिग होते हो ना, जब आपके मोबाइल की बैटरी भी मुक जाती है और आप बिल्कुल मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हो और आप सोचने लगते हो कि यार मुझे बहुत ज़्यादा, लाइक दिस इज़ द क्रेव इन माई सेल्फ कि मुझे बहुत ज़्यादा अमीर होना है. लाइक अमीर होना है लेकिन मुझे ये नहीं पता कैसे होना है. तो मेरे दिमाग में गंदे गंदे आइडियाज़ आते हैं कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं पैसों को कलर प्रिंटिंग करूं, एंड देन क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर मैं उन पैसों को इस्तेमाल करूं और इतने ज़्यादा पैसे, मैं पैसे बनाने की मशीन है. ये सब मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही होती. तो आई थिंक मेरी सोच के मुताबिक ये मूवी डिज़ाइन हुई है, ये मेरी सोच है, मुझे इस तरीके की. और जो शुरू में बात बोली थी ना कि जो लोग बोलते हैं कि पैसे से खुशी नहीं, भाई वो लोग कहाँ हैं, कहाँ हो आप लोग?
आपके पास पैसा है, आपको लाइफ में कुछ ही नहीं है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ये आपको नीचे मेरा जो है ईमेल एड्रेस मिलेगा मैनेजमेंट फताही के नाम से, आप वहाँ पे आके मेल करो। अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला है, आपको जो है पैसा है, लाइफ में खुशी नहीं है, सारा पैसा मुझे दे दो, कम से कम मेरी लाइफ में तो खुशी आ जाएगी ना यार। मतलब कैसे लोग ऐसी बातें करते हैं, मजाक एक तरफ, अब बात करते हैं मूवी की। आई थिंक बहुत ही डिफरेंट किस्म की मूवी है एंड बहुत ही अच्छी है, एंड शाहिद कपूर इज़ लाइक अ वेरी गुड एक्टर। और उनमें जो शाहिद कपूर के अंदर एक स्वैग है ना डिफरेंट किस्म का, जैसे कबीर सिंह में भी था स्वैग, वो वाला स्वैग मुझे बहुत ज़्यादा शाहिद कपूर का ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं शाहिद कपूर की एक्टिंग जो है इस स्वैग से अगर रेट करूँ तो आई एम गोना बी गिविंग हिम 10 out of 10। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक्टिंग में जब वो इस तरीके से हीरोगिरी वाली एक्टिंग करते हैं ना, और थोड़ा बदमाश और गुंडा टाइप लड़की की एक्टिंग करते हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। एंड आई थिंक समथिंग विच इज़ गोना बी वेरी डिफरेंट, बहुत अलग जॉनरा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्यार व्यार और वो बॉलीवुड वाला तड़का, वो नहीं है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट एंड आई एम हैप्पी। एंड ऐसी मूवीज़ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जो थोड़ी डिफरेंट किस्म की होती हैं, जिनमें थोड़ा रियलिटी भी होती है बट रियलिटी के साथ नॉट सो रियलिटी, हमारी जो इमेजिनेशन डेली लाइफ की होती है ना, जो हम थोड़ा कभी कभार गैंगस्टर वाइब्स हमारे अंदर होती है और हम थोड़ा ईविल होके, नॉट जस्ट ईविल, इज जस्ट लाइक समथिंग, हम कभी कभार थोड़ा क्रेजी सोच रहे होते हैं कि अपने थॉट्स को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में तो कैसे हमारी जो है दुनिया चेंज हो जाएगी। सो हम जो सोच रहे हैं ना, तो आई थिंक वो सोच इस मूवी में बदलती हुई सोच दिखाया गया, तो एक बहुत मज़ा आएगा, एक एक्सपीरियंस होगा कि अच्छा हम जैसा सोचते हैं वैसा अगर रियल लाइफ में हो तो क्या ही बात हो, क्या ही चस्ता है। सो आई थिंक मैंने गैस बहुत ज़्यादा ही कर लिया। और क्लियरली लड़के को कमाने का बहुत ज़्यादा शौक है एंड ही हैज़ दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट आई हैव, सो मेरा जो वाइब है और जो मेरा लेवल है वो शाहिद कपूर के साथ छटाक करके ऐसे मैच हो रहा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ही अच्छी होगी। एंड जब रिलीज़ होगी मैं फौरी तौर पे देखने वाली हूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट द मूवी, इट्स नॉट द मूवी, इट्स द सीरीज़, तो मज़ा आने वाला है। एंड मुझे सीरीज़ पर्सनली मेरी फेवरेट है, मैं जो है मूवी से ज़्यादा एक मेरे अंदर चीज़ है, मैं सीरीज़ को एडमायर करती हूँ। आई थिंक मार्जिन ज़्यादा होता है एक्टिंग का, स्टोरी भी ज़्यादा होती है और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। आप जो जो सोच रहे हो ना, आप एक मूवी से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आप एक टीवी शो और सीरीज से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मुझे इसलिए सीरीज़ ज़्यादा पसंद है। सो एनीवेज नाउ आई एम गोना बी साइनिंग ऑफ एंड आई थिंक अच्छी है, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं झूठ नहीं बोलूँगी और मुझे कोई भड़कियाँ मारने की ज़रूरत भी नहीं कि अच्छा मुझे पसंद आई या नहीं पसंद आई। अभी जो फैक्ट है वो है कि मुझे अच्छी लग रही है, मेरे दिल को अच्छी लग रही है जहाँ तक, क्योंकि मेरा ऐसा माइंडसेट है, मैं इस तरीके की बातें सोच रही होती हूँ नॉर्मल लाइफ में, और मैं इस तरीके के फालतू काम करने का भी सोचती हूँ कि यार क्यों ना कभी लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आए और मैं भी ऐसी हरकतें करूँ। बट आई थिंक अगर मैंने ये मूवी देखी तो मुझे थोड़ा सा तो मोटिवेशन लाइफ में मिलने वाला है कि कैसे पैसा कमाने का। Anyways, now I'm going to be signing off. Do not forget to subscribe to this YouTube channel and press the bell icon. And do not forget to follow this YouTube channel Instagram account, which is Fatahi_reaction. And do not forget to follow me as well on Instagram. My Instagram handle is Zainab_Fatahi. Now I'm going to be signing off. Do not forget to spread peace, love, and positivity. Love you all. Bye.